मिनी हेलीकॉप्टर रेस्टोरेशन। एक गांव में सोमलाल नाम का धनवान रहता था। उसके बेटे का नाम था रामलाल। सोमलाल के घर में जया नाम की एक काम वाली काम करती थी। उसके बेटे का नाम था रंगा, वो भी उसी घर में काम करता था। उनकी झोपड़ी सोमलाल के बंगला के पास ही था। सोमलाल अपने बेटे के लिए महंगे खिलौने लाकर देता था। रंगा उसे बड़े चाव से देखता था। रामलाल खिलौनों के साथ खेलने के बाद उसे हथौड़े से मारकर तोड़कर बहुत खुश होता था। उसके बाद उन टूटे हुए खिलौनों को दीवार के बाहर फेंक देता था। ये देखकर रंगा बहुत दुखी होता था। एक दिन रंगा, छोटे मालिक, आप यूँ अच्छे खिलौने को क्यों तोड़ते हो? ये खिलौने बहुत महंगे हैं ना, ऐसे करने से पैसे बर्बाद होते हैं ना मालिक, ऐसा करना गलत है छोटे मालिक। रामलाल ने रंगा के गाल पर खींच कर एक थप्पड़ मारा। क्यों रे, तू मुझे नसीहत देता है, तुमसे किसने पूछा, गरीब कहेंगे? हाँ, हम धनवान हैं, हमारी मर्जी, जितने खिलौने खरीदना चाहे खरीदते हैं, जितना तोड़ना है तोड़ते हैं। अगर तुम चाहो तो उन टूटे हुए खिलौनों के साथ खेलो जाओ, लेकिन यू फालतू सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है कमबख्त। बेचारा रंगा उन टूटे हुए खिलौनों को लेकर अपने घर गया, फिर उन्हें ठीक करके उनके साथ खेलने लगा। इस तरह न जाने कितने टूटे हुए खिलौने रंगा वहां से उठा लाता, उन्हें ठीक करता और उनके साथ खेलता रहता। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन स्कूल में टीचर, बच्चों, अगले महीने अपने गांव में टॉय एग्जीबिशन होने वाला है, उसमें सिर्फ उड़ने वाले खिलौने भाग ले सकते हैं। इसीलिए अगर आप में से कोई भाग लेना चाहे तो आकर अपना नाम दर्ज करवाए। तब रामलाल ने अपना नाम दर्ज कराया। तब हेमंत हुजूर नाम का एक धनवान लड़का, क्यों भाई रामलाल, तुझे तो सिर्फ खिलौना तोड़ना आता है, तू इस प्रतियोगिता में कहां से भाग ले रहा है? मैं सिंगापुर से टॉय एरोप्लेन मंगवा रहा हूँ, मैं उसके साथ प्रतियोगिता में भाग लूंगा, पहला इनाम मुझे ही मिलेगा। घर आकर इस प्रतियोगिता के बारे में रामलाल ने अपने पिताजी को बताया। तुम चिंता ना करो बेटा, मैं दुबई से तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर मंगवाऊंगा, वो पेट्रोल से उड़ता है, वो असली हेलीकॉप्टर की तरह सारा काम करता है, ठीक है ना बेटा? एक दिन एक डिलीवरी बॉय आया और रामलाल के घर के बाहर एक पार्सल रख कर चला गया। तब हेमंत हुजूर आया और उसे चुरा कर ले गया। ये देख कर रंगा ने तुरंत ये बात रामलाल को बताया। मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकने के लिए ही हेमंत हुजूर ने ऐसे किया होगा, अब तक तो उसे तोड़ भी चुका होगा, मुकाबला आज ही है, पिताजी आप एक और खिलौना मंगवाइए ना। पर बेटा उसे आने में 4 दिन लग जाएंगे, अब क्या करें, अब तुम इस मुकाबले में भाग नहीं ले सकते, और कोई रास्ता नहीं है। मालिक, छोटे मालिक ने एक हेलीकॉप्टर को तोड़ा था, मुझे याद है, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं उस खिलौनों को ठीक कर देता हूँ, उसे लेकर छोटे मालिक मुकाबले में भाग ले सकते हैं। ये बात सुनकर बाप बेटे दोनों मान गए। यूँ सब और टूटे हुए खिलौनों के ढेर के पास पहुँचे। वहाँ रंगा ने ढूंढा तो एक पुराना हेलीकॉप्टर मिला। वो उसे ठीक करने लगा तो सब उतावले होकर देख रहे थे। आखिरकार उसने उसे एक नया हेलीकॉप्टर बना दिया। उसे हवा में उड़ाया तो सब हैरान हो गए। यूं प्रतियोगिता वाले दिन सब बच्चे अपने अपने खिलौनों को उड़ाने लगे।
सबके खिलौने पेड़ों से टकराकर और खंभों से टकराकर नीचे गिरने लगे। पर रामलाल का हेलीकॉप्टर आराम से जमीन पर उतरा। यूं पहला इनाम उसे ही मिला। घर लौटकर रामलाल, रंगा इतने दिन मैं खिलौनों को तोड़कर बहुत गलत काम कर रहा था, लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया कि टूटे हुए चीजों से भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइंदा मैं खिलौनों को तोड़ूंगा नहीं, अब से तुम भी मेरे खिलौनों के साथ खेल सकते हो। कहकर रंगा को गले लगा लिया। ये देखकर सब बहुत खुश हुए।